नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसार। पहला पड़ाव अफगानिस्तान, दूसरा पड़ाव कतर। दौरे में अमेरिका भी जाएंगे, लेकिन हर नजर इनायत है स्विट्जरलैंड और मेक्सिको पर, जहां मोदी एक खास मिशन के साथ कदम रखने वाले हैं। मिशन NSG यानी परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह की सदस्यता हासिल करने का। भारत सालों से NSG समूह का सदस्य बनने की जुगत में है। 48 देशों के इस समूह से भारत अब तक दूर है, जबकि स्विट्जरलैंड और मेक्सिको NSG समूह के सदस्य हैं। पीएम मोदी दोनों देशों के अपने दौरे में NSG की सदस्यता पाने के लिए इनका समर्थन हासिल करने की कोशिश करेंगे। हम आपको ये बता दें कि स्विट्जरलैंड और मेक्सिको दोनों का परमाणु अप्रसार को लेकर कड़ा रुख है, लिहाजा मोदी के सामने चुनौती बड़ी है। इसमें बहुत बड़े पैमाने पर तीन देशों की मुख्य अड़चन थी हिंदुस्तान की मेंबरशिप के लिए। सबसे बड़ी मुख्य अपोजिशन थी NSG की एंट्री के लिए अमेरिका से, दूसरा स्विट्जरलैंड से और तीसरा मेक्सिको से। मोदी सरकार की कोशिश है कि ये 48 के 48 देशों में से जहाँ तक हो सके 47 देशों को अपने साथ कर लो, ताकि चाइना पूरी दुनिया से एक अलग थलग नजर आए। आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि आखिर भारत के लिए NSG की सदस्यता की अहमियत क्या है। जवाब है कि इससे भारत के लिए परमाणु ऊर्जा के लिए उच्च तकनीक हासिल करने के रास्ते खुल जाएंगे, क्योंकि NSG सदस्य देशों का इन तकनीक के हस्तांतरण पर नियंत्रण रहता है। मोदी के मिशन NSG की राह में सबसे बड़ा रोड़ा चीन और पाकिस्तान है, जो शुरू से भारत की सदस्यता का विरोध कर रहे हैं। चीन की चाल को चित्त करने की चुनौती, पाकिस्तान के इरादों को परास्त करने की चुनौती, स्विट्जरलैंड और मेक्सिको को मनाने की चुनौती, अमेरिका के समर्थन को भुनाने की चुनौती। भारत ने NSG यानी परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह की सदस्यता के लिए 12 मई को ही आवेदन कर दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत की NSG की सदस्यता का विरोध करने वाले पाकिस्तान और चीन की चाल को कामयाब न होने देने के लिए स्वयं कमान संभाली है। 9 और 10 जून को होने वाली NSG की बैठक भारत की सदस्यता के लिए बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि इसमें भारत के आवेदन पर चर्चा होने की बात कही जा रही है। उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी 6 जून को स्विट्जरलैंड जाएंगे और 8 जून को मेक्सिको पहुंचेंगे और परमाणु ऊर्जा पर भारत की नीति और नियत से देश का रुख स्पष्ट करेंगे। फिर स्विट्जरलैंड में उनका जाने का 2-3 मुख्य मुद्दा है, क्योंकि हम बातचीत NSG कर रहे हैं। NSG में बहुत बड़े पैमाने पर स्विट्जरलैंड अपोज कर रहा है हिंदुस्तान की मेंबरशिप को। एट दी हाईएस्ट लेवल, प्राइम मिनिस्टर टू प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री जी कोशिश है उनको सॉफ्टन करने के लिए। इसी प्रकार की अपोजिशन मेक्सिको से है, उसको सॉफ्टन करने के लिए। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भारत का मिशन पूरा होने के लिए पीएम मोदी की तैयारी पुख्ता है। मोदी एक खास मिशन के साथ स्विट्जरलैंड और मेक्सिको जा रहे हैं। जिम्मा हिंदुस्तान को NSG समूह में शुमार कराने का है और चुनौती पाकिस्तान और चीन की चालों को चित करने की। उम्मीद है दोनों देशों के साथ ही दुनिया भी हिंदुस्तान के जिम्मेवार रुख को समझेगी और राह आसान होगी हिंदुस्तान के NSG समूह में शुमार होने की। उम्मीद है जब 24 जून को सियोल में NSG देशों की बैठक होगी, तो भारत का नाम नए सदस्य के तौर पर उभर कर सामने आएगा। कुमार विक्रांत, दिल्ली आज तक। भारत इस बात से अनजान नहीं है कि भविष्य परमाणु ऊर्जा का है, और इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए NSG की सदस्यता हासिल करना बेहद जरूरी है। अगले 15 सालों में देश में कई सारे परमाणु संयंत्रों को स्थापित करना है, लेकिन परमाणु सामग्री हासिल करने के लिए भी NSG का हमें साथ बहुत जरूरी है। नरेंद्र मोदी का मिशन पूरा होता है तो सबक चीन और पाकिस्तान को भी जरूर मिलेगा। भविष्य परमाणु ऊर्जा का है। दुनिया के साथ साथ भारत भी इस हकीकत को समझ चुका है। एक आंकड़े के मुताबिक साल 2030 तक भारत में ऊर्जा उत्पादन का 40% हिस्सा गैर परंपरावादी ईंधन से ही पूरा होगा, और इसमें बड़ी हिस्सेदारी रहेगी परमाणु ऊर्जा की। देश की जरूरतों और भविष्य को मजबूत करने के लिए ही भारत को NSG यानी परमाणु आपूर्तिकर्ता सदस्य देशों के समूह में शामिल होना बेहद अहम है। देश के इसी मिशन को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभाल लिया है। सालों से चली आ रही कोशिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए मोदी स्विट्जरलैंड और मेक्सिको का दौरा करने वाले हैं।
ये दोनों वो देश हैं जो एनएसजी के सदस्य हैं और परमाणु और प्रसार पर कट्टर रुख रखते हैं। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत का एनएसजी में शामिल होना जरूरी है। मौजूदा वक्त में एनएसजी का ही परमाणु तकनीक और परमाणु सामग्री की व्यापारिक गतिविधियों पर नियंत्रण है। दुनिया में परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल और उत्पादन करने वाले ज्यादातर देश एनएसजी के सदस्य हैं। परमाणु व्यापार पर भी इन्हीं देशों का वर्चस्व है। भारत के लिए एनएसजी में शामिल होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर इस समूह में पाकिस्तान की एंट्री लगभग नामुमकिन हो जाएगी। वजह यह है कि एनएसजी में फैसले आपसी सहमति से लिए जाते हैं और भारत इसका हमेशा विरोध करेगा। हम आपको बता दें कि पाकिस्तान ने भी एनएसजी की सदस्यता के लिए आवेदन किया है और पाकिस्तान पर यह बड़ी कूटनीतिक जीत होगी। पाकिस्तान के साथ साथ चीन को भी सबक मिलेगा जो शुरू से पाकिस्तान की सदस्यता का समर्थन करता रहा है। चीन को दिक्कत इसलिए आएगी क्योंकि हिंदुस्तान एक और सशक्त देश बनेगा, महाशक्ति के रूप में उभरेगा। हिंदुस्तान एक न्यूक्लियर बहुत बड़ी न्यूक्लियर और बड़ी न्यूक्लियर शक्ति के रूप में आएगी। हिंदुस्तान कॉमर्स पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ेगा तो चाइना हिंदुस्तान को एक कॉम्पिटिटर प्रतिद्वंदी के रूप में देखता है और कोई भी प्रतिद्वंदी नहीं चाहेगा कि अगला उसके खिलाफ उसके सामने और मजबूत बने। प्रधानमंत्री मोदी के मिशन एनएसजी की सफलता इसलिए भी तय मानी जा रही है क्योंकि इसके लिए भारत ने पहले ही अमेरिका का समर्थन हासिल कर लिया है। 2008 में भारत अमेरिका सिविल परमाणु करार के बाद यूएस से परमाणु निर्यात का रास्ता साफ हो गया था। दूसरी अच्छी खबर यह भी है कि एनएसजी का सदस्य बनने के लिए परमाणु और प्रसार संधि पर भारत को हस्ताक्षर की कोई जरूरत नहीं है। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए और आत्मनिर्भर बनने के लिए जरूरी है हिंदुस्तान का एनएसजी देशों के समूह में शामिल होना। बेहद जरूरी यह भी है कि भविष्य की जरूरतों के लिहाज से भारत इसकी तकनीक हासिल करे और साथ ही जरूरत इस बात की भी है कि एनएसजी के दरवाजे भारत के लिए खुलें। भारत सालों से इस जुगत में जुटा हुआ है लेकिन अब कमान खुद प्रधानमंत्री मोदी ने संभाली है और पिछले विदेशी दौरों में उनकी कूटनीतिक सफलता को देखते हुए इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि सफलता हाथ लग सकती है। लिहाजा एनएसजी में शामिल होकर भविष्य के अपने लक्ष्य को पूरा करने के मिशन को सफल अंजाम तक पहुंचना बेहद जरूरी है। दिल्ली से कुमार विक्रांत सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। जहां दर्द है, दुख है, वेदना है, वो भी भारतीयों की ही। हम सर एविक ग्रुप कतर एविक ग्रुप कंपनी में हम काम करते हैं कतर में और मेरे कंपनी में बहुत प्रॉब्लम है। हम 6 साल से इस कंपनी में काम करते हैं तकरीबन 5.5 साल से और अभी ये हाल है कि 4 महीने से नई सैलरी है, नई कोई कुछ खबर है और नए बोनस ओवर टाइम है और बोनस भी नहीं, कुछ भी नहीं है। हम लोग कंप्लेन किया पुलिस स्टेशन में, पुलिस स्टेशन बोलता है ठीक है हाई कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट में भी कंप्लेन किया, हाई कोर्ट बोलता है कि एमबीसी में जाओ, एमबीसी में भी कंप्लेन किया, एमबीसी बोला है सीआईडी के पास जाओ, सीआईडी बोलता है सीआईडी के पास बोल रहा है तो बोलता है ठीक है आ जाओ कल। हम लोग के पास एक रियाल भी नहीं सर, हम लोग क्या करें, कैसे करें, कैसे नहीं करें। जी हाँ, ये वो लोग हैं जो भारत से यहाँ अच्छी जिंदगी के लिए नौकरी की तलाश में आए, नौकरी भी मिली लेकिन महीनों से वेतन से महरूम हैं। हम आपको दो तस्वीर दिखाते हैं। प्रधानमंत्री अपने कतर दौरे में भारतीयों से मिल रहे थे, उनके साथ दोपहर का खाना भी खाया लेकिन दोहा के पास भारतीयों का एक जत्था ऐसा भी है जो महीनों से वेतन न मिलने के चलते भूखे प्यासे दिन काटने को मजबूर है। इन तस्वीरों में दर्द है, भूख प्यास है और वतन लौटने की तड़प भी। मोदी ने भारतीय कामगारों से मुलाकात तो की लेकिन फंसे हिंदुस्तानियों का जत्था मोदी से नहीं मिल सका। दोहा से 70 किलोमीटर दूर कैंप में फंसे भारतीयों ने आज तक से बातचीत में कहा कि वो बिना सहारे यहाँ पड़े हैं, न हाथ में पैसे न पेट में खाना। हालांकि आज तक पर खबर दिखाए जाने के बाद विदेश मंत्रालय ने इसे संज्ञान में ले लिया है। इसके अलावा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीयों को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और दो उदाहरण उन्होंने दिए। एक तो ये कि दीमक रूपी भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे और दूसरा भ्रष्टाचार रूपी मिठाई खाना लोगों का बंद कर दिया है। रुख अगली खबर का। उत्तर प्रदेश का मथुरा अब शांत है लेकिन शांति से पहले हिंसा के बाद जवाहर बाग की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो हैरान करने वाली हैं।
हमारे संवाददाता जवाहर बाग के अंदर पहुंचे और रामवृक्ष यादव के साम्राज्य की एक एक चीज को बारीकी से अपने कैमरे में कैद किया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जवाहर बाग में आराम के लिए एक बड़ा इलाका भी मौजूद था। दो जून की शाम मथुरा क्या शायद हिंदुस्तान भी कभी भूल नहीं पाएगा। दो पुलिस वालों की शहादत के साथ साथ 22 दूसरे उपद्रवियों की भी मौत हुई। घटना बेहद दुखदाई है। 280 एकड़ का जवाहर बाग उजड़ चुका है, लेकिन अब जवाहर बाग के भीतर से जो तस्वीरें आ रही हैं, वो और भी चौंकाने वाली हैं। काफी जो छोटे छोटे सिलेंडर्स भी हैं, काफी छोटे सिलेंडर्स भी यहाँ पर कम से कम 100-150 के करीब 100-150 से ज्यादा आप छोटे सिलेंडर्स को देख सकते हैं। इसके अलावा बड़े एलपीजी के कम से कम 10 से 15 सिलेंडर्स आपको दिख रहे होंगे। ये साफ दिखाता है कि जो पुलिस पार्टी उस दिन इन रामवृक्ष यादव और उनके समर्थकों को यहाँ से निकालने आई थी, उनके खिलाफ कितने तैयार थे कल्ट वाले। दो साल से भी ज्यादा वक्त तक जवाहर बाग पर कब्जा जमाए रामवृक्ष यादव और उसके समर्थकों ने अपने बसेरा का पूरा जुगाड़ बिठा कर रखा था। सैकड़ों सिलेंडर और बैटरियों का जखीरा देखकर ये बखूबी समझा जा सकता है। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि सनकी सत्याग्रहियों ने जवाहर बाग के भीतर अस्थायी स्विमिंग पूल तक बना लिया था। जो समर्थक थे वो बाहर ज्यादा आ जा नहीं सकते थे, लिहाजा बिजली पानी का कनेक्शन काट दिया गया था, लिहाजा एक आर्टिफिशियल स्विमिंग पूल यहां पर बनवाया गया था। आप देख पा रहे हैं, बड़ी ही प्लानिंग के तहत बनाया गया था, लग्जरी तरीके से बनाया गया था जाहिर तौर पर। और पानी का जो स्रोत था, जो पानी आना था, वो आप ये देख पा रहे हैं यहां से वो पानी आता था, यानी बाकायदा बोरिंग भी कर दी गई थी यहाँ पर पानी कैसे आए उसके लिए। मथुरा के जवाहर बाग में सफाई का काम जोरों पर है। पुलिस की नजर अब बदायूं के उस व्यापारी पर भी है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उसने रामवृक्ष यादव की आर्थिक मदद की थी। मथुरा से ब्रजेश मिश्रा और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। रामवृक्ष के आतंक का बाग। 9:28 पर यह पूरी खबर आप देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिलहाल रुख अगली खबर। बिहार के टॉपर्स की पोल खुलने के बाद अब सरकार भी हरकत में आई है। आज तक की खबर का असर हुआ है और बिहार सरकार ने जांच कमेटी बनाने का ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में कौन सा है? एल्युमिनियम। आज तक पर बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा के साइंस टॉपर सौरभ श्रेष्ठ के इन जवाबों ने पूरे देश में सवाल पैदा कर दिया कि क्या वाकई बिहार के टॉपर ऐसे ही होते हैं? हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, म्यूजिक और पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस या नया सब्जेक्ट हम सुने, क्या चीज़ है? खाना बनाने के बारे में। क्या बिहार में शिक्षा व्यवस्था इतनी खोखली है? किरकिरी ऐसी हुई कि बिहार बोर्ड ने इंटरमीडिएट के नतीजों पर रिव्यू कमेटी बिठा दी और टेस्ट में दो टॉपर फेल हो गए। नीतीश के सुशासन पर दाग लगाते इस मामले के उछलने के 5 दिन बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी चुप्पी तोड़ी। ऐसे मामलों में मैं इतना ही कह सकता हूं कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। न सिर्फ कैंसिल करना आदि आदि, इसकी पूरी जांच होगी और इसमें ये क्रिमिनल मामला भी बनेगा मेरी समस्या, और उस एंगल से भी इस पर कार्रवाई होगी। छूट किसी को नहीं दी जा सकती है। आज तक की खबर का ही असर है कि बिहार सरकार ने इस पूरे मामले की जांच के लिए 3 लोगों की कमेटी बनाने का ऐलान किया। इस कमेटी में डायरेक्टर सचिवालय, डायरेक्टर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और डायरेक्टर जनशिक्षा शामिल हैं, जो ये पता लगाएंगे कि सिस्टम में धोखा कहां हुआ। कहीं ना कहीं हम लोगों से कहीं चूक हुई या कुछ लोग ऐसे थे जो सरकारी नौकरी में रहते हुए सरकार की नियत के खिलाफ काम कर रहे हैं, और इतना बड़ा एम्बैरेसमेंट पूरे देश में बिहार का, इन्होंने कहा। कहीं ना कहीं ये पूरी भावना के साथ किसी ने एक जानबूझ के एक भद्दा
हम तो कहेंगे कि एक भद्दा मजाक है ये। सरकार पूरी तरह से सख्त है, किसी भी वैसे व्यक्ति को चाहे वो कितना भी बड़ा हो, कितना भी इन्फ्लुएंशियल हो, बिहार की अस्मिता और बिहार के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं है। तो सरकार पूरी तरह सख्त है, FIR भी करेंगे, और वैसे जो लोग हैं जो इसमें दोषी पाए जाएंगे अगर सरकारी नौकरी में, उनको नौकरी से भी बर्खास्त किया जाए। खबर ये भी है कि बिहार शिक्षा बोर्ड ने भी अपने स्तर पर 3 लोगों की जांच कमेटी बनाई है, हालांकि अभी इसकी आधिकारिक जानकारी नहीं है। कुमार अभिषेक, पटना आज तक। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से आया है आतंकवादियों का सनसनीखेज वीडियो। इन आतंकवादियों के हमले में कल 2 पुलिस वाले शहीद हो गए थे। आतंकवादियों का ये वीडियो किसी ने मोबाइल कैमरे से शूट कर लिया है। सूत्रों के अनुसार वीडियो के आधार पर सुरक्षा एजेंसियों ने एक आतंकवादी की पहचान भी कर ली है। हाथों में AK-47 लिए ये वही आतंकी हैं जिन्होंने शनिवार को जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में कोहराम मचाया था। गौर से देखिए इन आतंकियों को। मोबाइल कैमरे में कैद ये वही आतंकी हैं जिन्होंने पुलिस पार्टी पर हमला बोला था। खानाबल पहलगाम रोड पर बस स्टैंड पर तैनात 2 पुलिसकर्मियों पर अंधाधुंध फायरिंग करने के बाद जब ये आतंकी भाग रहे थे उसी दौरान किसी शख्स ने मोबाइल से इनका वीडियो बना लिया। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियों ने मोबाइल वीडियो में कैद आतंकियों की पहचान कर ली है। काले कपड़ों में दिख रहा आतंकी खुदवानी इलाके का है जो पिछले साल लश्कर में शामिल हुआ था। दूसरे आतंकी के बारे में कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान का है। शनिवार को इन आतंकियों के हमले में एक SI समेत 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। आपको बता दें कि अनंतनाग में 22 जून को उपचुनाव होने हैं और मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती भी मैदान में है। साफ है इस हमले के पीछे कहीं ना कहीं आतंकियों की मंशा वोटरों को डराने की। आज तक दिल्ली में ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई है। ब्रह्मपुरी इलाके में एक घर से 3 लोगों के शव मिले हैं जिनकी हत्या हुई है। इनमें 50 साल की एक महिला और उस महिला की 2 बेटियां हैं। बेटियों की उम्र 23 साल और 12 साल बताई गई है। दिल्ली के उस्मानपुर के ब्रह्मपुरी की गली नंबर 23 में एक मकान से 3 लाशें मिली हैं। बताया जा रहा है कि ये लाश एक माँ और उसकी 2 बेटियों की हैं। माँ की उम्र तकरीबन 50 साल और जो बेटी हैं उनमें एक का नाम शबनम जिसकी उम्र 23 साल और दूसरी निशा जिसकी उम्र तकरीबन 12 साल है। बताया जा रहा है उनकी लाशें इस मकान से मिली है। ब्रह्मपुरी की गली नंबर 23 का यही वो मकान है जहाँ से ये लाशें मिली हैं। दरअसल रविवार को शाम के आसपास जो आस पड़ोस के लोग हैं जब वो इस घर के बाहर से गुजर रहे थे तो उन्हें तेज बदबू आ रही थी और उसके बाद पुलिस को इस पूरे मामले की इत्तला दी गई। जब पुलिस मौके पर पहुंची और घर के अंदर पहुंची तो घर में 3 लाशें थी। बताया जा रहा है कि जो मां है उसकी गला काटकर हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस को हत्या का शक है, जांच कर रही है कि आखिर इस मकान में कौन था जो इस तरीके से आया और इस तरीके से तिहरे हत्याकांड को अंजाम दे करके गया है।